हमीरपुर वासियों की लंबे समय से चली आ रही मेडिकल कॉलेज की दुविधा अब लगभग खत्म होती नजर आ रही है और जल्द ही इसी सत्र से मेडिकल कॉलेज कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद बन गई है। हमीरपुर के नजदीक मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन को वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है और जल्द ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आकर शिलान्यास करेंगे। ये बात सुजानपुर होली मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बातचीत के दौरान कही। परमार ने कहा कि 3.5 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार के पास बजट आ गया है और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का 90% कार्य पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने प्रदेश के अस्पतालों खाली पड़े पदों को जल्द भरने की बात कही। उन्होंने कहा कि मानकों के आधार पर जहां पर जरूरत हो रही है वहां पर डॉक्टरों के पदों को भरा जा रहा है ताकि मरीजों को परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि ओपीडी को आधार बनाकर पदों को सृजित करने का विषय मंत्रालय से चर्चा कर समस्या का हल किया जाएगा। हमारी सरकार को आए हुए 2 महीने हुए हैं और इन 2 महीनों में कुछ बातों को लेकर के हमने विशेष कोशिश की है। एक तो जहां हमारे स्वास्थ्य संस्थान है वहां पर अधोरचना मजबूत हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, और दूसरा जहां हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, खुल तो गए, डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए आपकी जानकारी के लिए हमने 200 एलोपैथिक डॉक्टर एमओज की पोस्टें सेंक्शन करवाई और 179 को हमने ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए हैं। दूसरा हिमाचल प्रदेश में लगभग 1000 के नज़दीक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स हैं। 2 दिन पहले जो कैबिनेट हुई है उसमें 200 आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर्स के पद भी सृजित किए हैं। इसलिए 2 महीनों में 400 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू करना, मैं समझता हूं कि ये श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार की समाज के प्रति जो एक संवेदना है वो ये प्रकट करती है। इसलिए कोशिश हो रही है कि संस्थान जहां खुले हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की के पद को भरा जाए। सर, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ पर कुछ हो नहीं रहा है सर? नहीं, सब कुछ हो रहा है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुले इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को हम अमलीजामा पहना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए भारत सरकार ने लगभग 350 करोड़ रुपया श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के मंत्रालय ने जो भेजा है वो हमारे पास पहुंच गया है और जहां मेडिकल कॉलेज बनना है उस जमीन का टाइटल भी क्लियर हो गया है। फॉरेस्ट लैंड की वो जमीन अब स्वास्थ्य मंत्रालय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नाम हो गई है और ये अस्पताल जो है ये जो जिला अस्पताल है वहाँ पर शुरू होगा और उसका भी 98% काम शुरू हो चुका है। बूंजा प्रोफेसर रजिस्ट्रार के नियुक्ति ऐसे करके उनको पत्र दे दिए गए हैं, इसलिए सरकार काम कर रही है और जब भी सितंबर अक्टूबर में मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स होती हैं तो इस बार एडमिशन हमीरपुर में होंगी। और छोटी मोटी कमी है, मैं स्वयं गया था, मैंने अपने सम्माननीय एमएलए साहब से भी बात की थी कि आप चलें, पर ये किसी पारिवारिक शादी समारोह में व्यस्त थे तो मैं वहाँ घूम करके आया हूँ। मैं वहाँ की काम से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और ये आने वाले दिनों में काम शुरू करेंगे और श्री जयराम ठाकुर जी को बुला करके वहाँ पर कार्यक्रम भी करेंगे। सर, सुजानपुर टीरा में सर डॉक्टरों की डीएमओ साहब भी ट्रांसफर हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही नहीं, वो चले गए हैं तो कोई और दूसरा डीएमओ आ जाएगा। सर, डॉक्टर जैसे जितने पद यहाँ पे स्वीकृत थे ना सर, वही पद यहाँ पे स्वीकृत किए गए, नए पद सुजानपुर टीरा में स्वीकृत डॉक्टरों के नहीं किए गए हैं और ना ही सर महिला डॉक्टर यहाँ पे कर्मी यहाँ पे कार्यरत है। महिलाओं को काफी दिक्कत का सामना, ऐसा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में हर हॉस्पिटल की कैटेगरी है, पीएससी में कितने डॉक्टर होंगे, पीएससी 1 में कितने होंगे, पीएससी 2 में कितने होंगे, सीएससी में कितने डॉक्टर्स होंगे, सब डिवीजन हॉस्पिटल्स में कितने डॉक्टर्स होंगे, कितने बेडेड का हॉस्पिटल है, तो यानी कुल मिलाकर के
उस हॉस्पिटल का स्टेटस क्या है? नहीं सर, होता क्या है सर, जितने बेड होते हैं ना सर, उससे ज्यादा, जितने ज्यादा बेड बढ़ते हैं सर, उस हिसाब से डॉक्टरों की पद भी स्वीकृत होने चाहिए सर। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये अगर पीएससी है, ग्रेड टू में आती है, वहां पर एक ही पद होगा। अगर टू में आती है तो उसमें ज्यादा पद होंगे, सीएससी है तो उसमें ज्यादा पद होंगे, 50 बेडेड हॉस्पिटल है या सब डिवीजन हॉस्पिटल है तो उसमें ज्यादा पद होंगे। ये मरीजों के आने से सृजित नहीं होते, जो कैटेगरी निश्चित की गई है उसके हिसाब से पद सृजित होते हैं। परंतु यहाँ की ओपीडी अगर बहुत अधिक है तो उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे और ओपीडी को आधार बना करके इस विषय को अपने मंत्रालय में लेकर के जाएंगे और जरूरत होगी ओपीडी के हिसाब से तो पदों को सृजित करना, ये विचाराधीन विषय रखा जा सकता है।